ये कर रहा है पैकिंग जाने की तैयारी। और आज भाभी ने तो अभी है नहीं, भाभी गई खजूरा खजूरा और मठरी। भारी वर्षा है अभी जाने वाला है रात में। आज दिखाएंगे आप लोगों को क्लैपिंग क्लैपिंग और नींद आ रही है इसको, देखिए हंस रही है अभी आ रही है इसको भाभी की याद। तो वीडियो मत आना तो खासे टाइम भी याद कर रहा था। नहीं ले बाय ज्योति बोल बाय। ये बताऊंगी एक दो दिन बाद। हाय एवरीवन, नमस्कार प्रणाम पहलाक सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत आज कर रही हूँ मैं 7 बजे से, और आज मैं आई हूँ मायके। मतलब कल शाम को मैं आ गई थी 16 को, क्योंकि 17 से लग रहा है काला महीना जो सास के लिए बांधा जा रहा है। सास से बात बात कुछ नहीं करनी है, जैसे पति के लिए हुआ था जेठ के लिए, अब सास के लिए आ चुका है। तो पहाड़ियों में काले महीने आते रहता है क्योंकि शादी का पहला साल पूरा होने तक। तो यहाँ का मौसम मैं दिखाती हूँ, दिखाती हूँ कौन क्या कर रहा है। मैंने पूजा पाठ सब कर ली है, अभी मैं आई हूँ बाहर। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लगी है हल्दी, और ये देखिए वहाँ तक फसल लगी है पूरी। और सुबह सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा है, तो चलते हैं अंदर देखते हैं कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे 2 गमले लिए हैं मम्मी लोगों ने, तो चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए मम्मी आ चुकी है बाहर को खाना लगाते हुए। ये है नाश्ता, किसके लिए लगा रहे हो? मेरे लिए। तो मम्मी ने आज क्या बनाया है? ये है पराठे, ये देख सकते हैं आप, टेस्टी टेस्टी प्याज के पराठे, पता नहीं कब बना दिए। और इसे बनाई है टेस्टी सी खीर। खीर क्यों बनाई है आज? खीर बनाई है मम्मी के लिए, आज है संगरात। क्या होता है संगरात बताओ? लग रहा है एक पेट है आज। अच्छा, तो आज खीर बनी है जो मंदिर में भी चढ़ी है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। चलिए ये देखिए यहाँ पे हो रही है पूजा, और मंदिर में भी हमने चढ़ाई है खीर। तो चलिए चलते बाहर। मेरा नाश्ता मम्मी ने लगा दिया है, आलू की सब्जी, रायता, खीर, पराठे और घी, जो कि मैं नहीं खाती हूँ। इतना सारा घी लेके आ जाती है ना, घर का है कुछ, इसमें काला काला खाती है तो इसे पहाड़ों में मैड करती है। आप भी लाओ ना अपने लिए। तो मुझे अभी ऑफिस भी जाना है, इसलिए मैं नाश्ता करती हूँ, फटाफट जाओ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कर ये कर रहा है पैकिंग जाने की तैयारी। और आज भाभी तो अभी है नहीं, भाभी गई है मायके, तो भाभी से मिलने जाएगा अभी ये। भाभी से तो मिल ही सकता है अभी, मिलने जाएगा ये ना, तू जा कहीं जाएगा ये पक्का देखना दोस्तों। ये देखो बीवी के लिए थोड़ी है, सास के लिए। तो ये देखो एक बैग ये पैक कर लिया, एक बैग ये है, एक बैग ये है, और पैन नहीं। और यहाँ पे देखो कारीगर आए हैं बहुत बड़े वाले, यहाँ पे क्या बन रहा है देख सकते हैं। आज जा रहे हैं सुमित, तो उसके लिए बना रहे हैं यहाँ पे मठरी और मीठा और खट्टा खजूरा, खजूरा और मठरी। ये देखिए अभी बन जाएंगे, उसके बाद आपको बनाएंगे। और वो मठरी के लिए है, यहाँ पे देखो बना रहे हैं पापा, मम्मी इसको फ्राई कर रही है। बाप रे आज तो बहुत उमस हो रही है, बन रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही उमस, मैंने मुंह धो लिया है आके, थोड़ा सा कुछ खाती हूँ, भूख भी लग गई है दिन में क्योंकि लंच कर नहीं पाई थी। तो चलिए कुछ खाते हैं। उसके मैंने दिया है मुझे नींबू पानी, हाइड्रेट करेगा ये मुझे, देख सकते हैं आते ही बाहर से कड़ी धूप से। तो मैं इसको पीती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। हाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा उमस हो गई आज, इतनी गर्मी हो रही है बता नहीं सकती। तो मैं पीती हूँ नींबू पानी, देख सकते हैं। तो हमारे करारे करारे मठरी बन के हो चुके हैं रेडी, इसमें अजवाइन भी डाला ना मम्मी, वाओ ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। और यहाँ पे कुछ और भी बनाया है, यहाँ पे बनाए हैं मीठे पकवान, ये देख सकते हैं मीठा, सौंफ ऑफ डाला है इसमें। और अभी ये कढ़ाई में बन रहा है मठरी। तो मौसम हो रहा है बारिश का, यहाँ आ चुकी है झमाझम बारिश। मम्मी यहाँ पे बैठी है,
ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश आ रही है, भारी वर्षा। ये देखिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, गर्मी हो रही है, और ये देखो भाभी को याद कर रहा है। अभी जाने वाला है रात में, आज दिखाएंगे आप लोगों को। और बारिश आ रही है यहाँ पूरी, देख सकते हैं हम यहाँ पे बैठे हैं आराम से, बारिश के मज़े ले रहे हैं। रात 6 बजे भी ऐसा लग रहा है 8 बजे। तो बारिश के बाद का नज़ारा देख सकते हैं, पूरा रेडिश कलर का मौसम हो गया, लेकिन वीडियो में आ नहीं रहा है, ऐसे रियलिटी में पूरा रेड रेड हो गया। और यहाँ पे जल चुका है शाम का दिया, अंदर बज रहा है शंख, और खाने की तैयारी हो रही है क्योंकि भाई जाने वाला है। तो आज बनाएंगे हम चने की सब्जी। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने नहा लिया रात के 8 बजे, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज की थी तो इतना ज़्यादा पसीना हो गया था। आज तो इतनी गर्मी हो रही है, उमस, तो मैंने नहा धो के कपड़े चेंज करके अब आई हूँ मैं अपनी बुआ के वहाँ। मैं दिखाती हूँ, मैं आपको पीछे से मिलाऊंगी। हमारी क्यूट बहुत दिन में आई थी मैं, लेकिन वो सोई हुई थी, अभी उठ चुकी है। मैं आपको, हमारा पीछू है, ये दिन में सोता है रात में उठता है। ये देखो दोस्तों पीछू, देखो तुम्हारा वीडियो बन रहा है, क्यों डिस्टर्ब करते हो मम्मी को, छोने क्यों नहीं देते हो। कितना सोएगी, 4 बजे से तू सोई है, तू जब से मैं आई हूँ 4 बजे में आई थी तू सोई ही थी, अब रात के 8 बज गए हैं, 4 घंटे तो हो गए ना, बहुत है, इतना ही सोना चाहिए। ठीक है, ठीक है मुन्नू, ठीक है, क्लैपिंग क्लैपिंग। और नींद आ रही है इसको, देखिए हंस रही है, हंस रहा है यार ये, क्लैपिंग और करा, क्लैपिंग करा, गर्दन टेढ़ी क्यों जाती है उसकी, देख गर्दन, दोस्तों इसकी गर्दन ऐसे सीधी करनी पड़ती है, यानी कि तकिया, इसका इसका पिलो लो, फ्लिट क्लैपिंग करेगा हमारा भाव, हमारा भाव क्लैपिंग करेगा। मुंडी सीधी रखो, मैं क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं बदतमीश बच्चे मुझे, अब करो क्लैपिंग क्लैपिंग। तो देख सकते हैं जाने की हो गई है तैयारी, और चाल ऐसी चमक रही है, जिसको जाना है वो तो जा नहीं रहा अभी, और एक कौन बैठ चुका है देखो, मैं कह रहा है मैं भी जाऊंगा, मैं भी चलता हूं घूम के आता हूं दिल्ली, क्या है दिल्ली में कुछ तो होगा। और यहाँ पे देखो सब लोग ऐसे बैठ चुके हैं विदा करने के लिए, और यहाँ पे बैग यहाँ पे है तैयार, और बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप, ये आ चुका है जाने के लिए, तैयार हो चुका है, अभी आ रही है इसको भाभी की याद। ये तो खाते टाइम भी याद कर रहा था, यहाँ गीला हो रहा है, पानी गिरा हुआ, खाते टाइम भी याद कर रहा था ये। ला मैं रख, ला तो पहले इसको आगे रख ले, अभी सही बैठना। तो रेलवे स्टेशन जाने वाले भी सभी को, मैं भी कर रही हूँ, नमस्ते। हाँ हाँ नहीं लिए, बाय बाय ब्लॉग दे देना उसको, डाला हाँ दे दूंगी, दोनों डाल उसमें, हाँ तो ये देखो बाय तो बोल पहले, बाय बाय, अगली बार जब तू आएगा यहाँ पे ज्योति को बाय, भाभी को बाय, यहाँ पे पिचू, हाँ पिचू भी आ जाएगी गोद में ना, चलेगी तो नहीं गोद में आ जाएगी, बाय बोलने वाली हो जाएगी तब तक। तो चलो बादल गरज रहे हैं, बरसने आ रहे हैं अभी, बरसने ये आगे ही, ठीक है आगे से, बाय। तो ये देखो तो भाई चले गया है, और सब अपने घर को जा रहे हैं, छोड़ छाड़ के, शक्ल दिखाई नहीं,
क्या हो रहा है? मैं अपनी अपनी शक्ल दिखा देती हूँ। यार इतनी अच्छी शक्ल नहीं है। अच्छी नहीं है, दिखाने लायक तो है ही। तो मैंने लगाई है आज मेहंदी, तो जरूर बताइएगा कैसी लगी। और मैंने मेहंदी क्यों लगाई है मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये मैं बताऊंगी एक दो दिन बाद। तो काफ़ी रात हो चुकी है और मेरी मेहंदी आर्टिस्ट है जो वीडियो बना रही है, मेरी बहन आशिका, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। अगर किसी को लगानी है तो आप आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट दिया मेहंदी।